तरफ यहाँ पे हमारा जो बगीचा था गाइस, ये हमारे चने का खेत था जिसमें सबसे लास्ट में फसल कटी थी। ये घूम रही अपने रोक से गाइस, यहाँ पे गेहूं की फसल और ये वो कुएं वाला खेत है। आज हम यहाँ पे है ना, तकरीबन मान के चलो कि कम से कम ये 20 या 25 दिन के बाद में इधर आए होंगे। इतनी शानदार क्वालिटी का डॉग था ना यार, अल्टीमेट क्वालिटी थी गाइस। डबल कोट स्ट्रक्चर साइज वगैरह, इतना भयंकर कुत्ता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद रॉक्सी, में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और मैंने रॉक्सी के लिए डाइट कंप्लीट करके रखी हुई है गाइस। तो अब थोड़ी देर के बाद में जैसे ही वो पेडिग्री वगैरह गल जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको रॉक्सी को मैं गाइस उसकी जो डाइट है वो दे दूंगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ना रॉक्सी की डाइट कंप्लीट करके रखी हुई है। इसमें गाइस मैं डेली का रूटीन है सुबह का टाइम का कि मैं इसमें पेडिग्री, छाछ और दलिया मिक्स करके देता हूँ गाइस। उबला हुआ दलिया जो भी छाछ में ही उबाला जाता है, और ये सब देखे गाइस बहुत अच्छा फूड है। ज़्यादा मतलब ये मान चलो हाइजीनिक फूड नहीं है, और अच्छी ग्रोथ होती है इससे। अगर आप ट्राई करना चाहो तो गाइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके डॉग को, और बिल्कुल हेल्दी डॉग रहता है इस लाइट से। गाइस फाइनली मैंने रॉक्सी को खाना रख दिया है और ये आराम से खा रही है। तो गाइस इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, इसको खाने देता हूँ, क्योंकि फिर ये फिर से नखरा करना लग जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी गाइस, इसलिए इसको खाने देते हैं। और हमारे यहाँ पे है ना सारे जानवर भी आराम से बैठे हुए है, खा पी के आराम से मस्त मस्ती में। ये बस ये ओनली ये खड़ी हुई है, बाकी सारे जानवर हमारे बैठे हुए है गाइस। और दोस्तों देखो ये फिर से आ चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन अभी छांव है, कोई दिक्कत नहीं है, चप्पल पहनी हुई है इन्होंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों भाई चप्पल पहन के आए हो ना, चप्पला दोनों ने कटाई थी ना। ये देखिए गाइस डंडे लेके आ रहे, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं लेकिन डंडे लेके आते हैं, जैसे कि कहीं पे लड़ाई करने जा रहे हो इस तरह से आते हैं। चलो खेल लो खेल लो। 2000 years later. हेलो गाइस, तो अभी शाम का टाइम है और मैं रॉक्सी को लेके हुए खेतों में आया हूँ। और गाइस आज हम है ना अपनी पुरानी वाली लोकेशन पे आए यार, जो पहले हम आया करते थे ना खेतों में बिल्कुल फसल के पास, गाइस वहीं पे आया हुए हैं आज मैं। और देखिए चारों तरफ यहाँ पे हमारा जो बगीचा था गाइस, ये हमारे चने का खेत था जिसमें सबसे लास्ट में फसल कटी थी। ये घूम रही अपने रोक से गाइस, यहाँ पे गेहूं की फसल और ये वो कुएं वाला खेत है गाइस, वो रहा वो कुआ। गाइस आज हम यहाँ पे है ना तकरीबन मान के चलो कि कम से कम ये 20 या 25 दिन के बाद में इधर आए होंगे यार, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। जब से यहाँ का रास्ता बंद किया है ना गाइस, तब से हम इधर इस साइड में आए ही नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं आए। और गाइस यहाँ पे आके ना रॉक्सी का दिल बिल्कुल खुश हो जाता है, बिल्कुल इस इतनी मस्ती में आ जाती है ना यहाँ पे आके, क्योंकि चारों तरफ ओपन माहौल है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है गाइस। और ये गर्मी का टाइम है ना, तो यहाँ पे कोई लोग भी नहीं आता है ऐसे जो डिस्टर्ब कर सके हमें। और आराम से देखिए अब घूम रही है फिर रही है मजे में, ये पता नहीं क्या क्या सर्चिंग कर रही है गाइस, बट ये है ना कि हाँ भाई पूरी बिल्कुल खुश हो चुकी है यहाँ पे आते ही। और गाइस कल मैं ना रॉक्सी को मीटिंग के लिए लेके गया था डॉग पे, और इतनी शानदार क्वालिटी का डॉग था ना यार, अल्टीमेट क्वालिटी थी गाइस। डबल कोट स्ट्रक्चर साइज वगैरह, इतना भयंकर कुत्ता था भाई साहब, मैं तो एक बार देख के डर गया था कि ये है क्या। लेकिन बहुत फ्रेंडली था, हमारे साथ घुमा फिरा आराम से वो, हमने बहुत टाइम तक उसके साथ मस्ती की गाइस। लेकिन डॉग है ना एक नंबर क्वालिटी का था कसम से। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से जाऊंगा गाइस 2 या 3 दिन के बाद में, तब आपको दिखाऊंगा। दिन के टाइम पे जाऊंगा मतलब थोड़ा शाम के टाइम पे, कल रात तो हमें बिल्कुल रात ही हो गई थी यार, थोड़ा सा ही दिन बचा हुआ था तो। लेकिन अब जाऊंगा ना गाइस नेक्स्ट टाइम, तो मैं अच्छे टाइम पे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कितनी अच्छी क्वालिटी का डॉग था यार। रॉक्सी की साइज ये मान के लो उसकी डबल साइज थी, रॉक्सी से डबल था वो, इतना बड़ा था गाइस, बहुत ज्यादा हेवी वेट था और इतना खतरनाक कुत्ता था ना कसम से, मजा आ गया यार देख के। भगवान मैं दुआ करता हूँ कि अगर रॉक्सी के पपीज आए तो उसी पे जाए, अपने फादर पे जाए गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी का कुत्ता था वो। वो इतना फ्रेंडली डॉग था ना, तो रॉक्सी को कुछ कहा ना हमें कुछ कहा, हम भी दो लोग थे गाइस, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बोला और आराम से घूम रहा फिर रहा था मस्ती में, बिल्कुल अपने ही मस्ती में मस्त था गाइस वो। लेकिन भाई साहब क्वालिटी में देख के बिल्कुल खुश हो गया था यार कि हाँ भाई बंदे ने क्वालिटी वास्तव में क्वालिटी रखी हुई यार, बहुत अच्छा डॉग था वो। और गाइस देखिए यहाँ पे रॉक्सी है ना बिल्कुल गर्मी की सहन ही नहीं कर पा रही है यार, इतनी जोर से हांफने लगी है। गाइस मैं कल रॉक्सी को लेके तो गया था मीटिंग के लिए, लेकिन गाइस प्रॉपर तरीके से अच्छे से मीटिंग हो नहीं पाई है, तो ओनर ने बोला कि 2 या 3 दिन के बाद एक बार फिर से आना, क्योंकि दो या तीन दिन के बाद में फिर से इसको ले जाना होगा गाइस, अगर हमें पपीज चाहिए तो देखते हैं सोचते हैं क्या होता है यार। गाइस लुल्लू बिना मतलब मैं थकी पड़ी है यार, बिना मतलब मैं थक गई है, इसको ना तो मैंने एक्सरसाइज कराई ना कुछ, बस घर से यहाँ तक लेके आया था, यहाँ पे ओपन छोड़ दिया, बस इधर उधर घूम रही है। इसी में देखिए इसकी हालत कैसी हो रही है यार, कैसे जीप बाहर निकाल के जनरेटर चला दिया इसने तो, ये मान के चलो बहुत ज्यादा हांफ रही है यार ये पागल। बस थोड़ी सी देर ये घूम ले फिर ले फिर इसको घर पे लेके जाऊंगा गाइस, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। दोस्तों अब है ना घर वाले मेरे कान खाने लगे, क्योंकि तू पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहा, 2 तारीख से तेरे पेपर है और बहुत बुरे बुरे ताने देते हैं यार, और कॉलेज की फाइलों का इतना प्रेशर है ना वो बनी नहीं रही है यार, मन ही नहीं करता कि बनाऊ, उनको इतना प्रेशर हो गया सिर पे, इधर रॉक्सी की टेंशन, एग्जाम की टेंशन, ऊपर से फाइलों की टेंशन, तो ये मान चलो खोपड़ा बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। लेकिन गाइस आज 28 तारीख है,
तो हमें 3 तारीख से पहले पहले मेरी फाइलें भी कंप्लीट करनी है और एग्जाम की तैयारी करनी है गाइस। तो आज रात को मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ गाइस, पढ़ूंगा भी सही और फाइलें भी बनाऊंगा, सब कुछ करना होगा गाइस। रोक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन गाइस हैंडल करूंगा मैं, क्योंकि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने हर सिचुएशन को पार किया है, तो गाइस ये भी मेरी पार होगी होगी, कोई टेंशन नहीं है गाइस, मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा सब कुछ। तो गाइस अभी तो है ना थोड़ी सी देर, ये मान के लो मुझे 20 मिनट ही हुई होगी यहाँ पे आए हुए, और इतने में देखे इसका बिल्कुल जनरेटर चल चुका है, और ना ही मैंने एक्सरसाइज कराई ना कुछ, बस आराम से ऐसे ही घूम रही थी, उसी में इतनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। ये देखिए गाइस बिल्कुल थक चुकी है यार, इतनी जोर से हांफ रही है ना, कसम से अंदाजा लगा सकते हो गाइस कितनी भयंकर गर्मी है कि रोक्सी की ये हालत हो रही है, वो भी बिना एक्सरसाइज के। यार देख सकते हो आप कितनी बुरी तरह हांफ रही है ये। और गाइस अभी इतनी धूप भी नहीं है, बिल्कुल बादल आए हुए है ना सूरज के सामने, देखिए आपको अच्छे से प्रॉपरली सूरज दिख नहीं रहा होगा गाइस, क्योंकि अभी तक है ना बादल है, तो चारों तरफ मतलब में ऐसी कड़ाके की धूप है नहीं जो कल थी गाइस, कल तो बहुत ज्यादा धूप थी। फिर भी देखिए गाइस रोक्सी की इतनी बुरी हालत हो रही है, रोज जा रही है पता नहीं कहाँ जा रही है। रोक्सी कहाँ जा रही है, आजा 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 आजा, ये देखिए गाइस आ गए वापिस। तो गाइस रोक्सी तो वापस आ चुकी है, और मैं बता रहा था धूप के बारे में गाइस, इतनी गर्मी नहीं है ना ही ज्यादा धूप है, हवा भी अच्छे चल रही है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है गाइस, फिर भी देख लो रोक्सी कितनी बुरी हालत हो रही है। तो सोचो यार कि दिन के टाइम पे कितनी बुरी हालत होती है, अगर इसको मैं पहले वाली जगह पे रखता, पंखे में शिफ्ट ना करता, तो गाइस ये बिल्कुल परेशान हो जाती। और गाइस मैंने इसको अभी इस टाइम पे ना गर्मी से बचाया हुआ है, इसीलिए गाइस ये प्रॉपरली खाना खा रही है, आराम से अच्छे से मतलब बैठी रहती है सारा दिन आराम से। नहीं तो गाइस जब ये है ना मतलब शादी के टाइम पे ये बिल्कुल परेशान हुई थी ना गर्मी में, उस टाइम पे इसका टॉयलेट येलो हो गया था बिल्कुल, और इतनी गर्मी हो गई थी ना इसके शरीर के अंदर, कसम से मान के चलो हालत बिल्कुल खराब हो गई थी यार इसकी। और तब से है ना मतलब मैं इसकी स्टेमिना थोड़ा डाउन हुआ है गाइस, ये मतलब इतना स्टेमिना है नहीं कि ये कंट्रोल कर सके गाइस, बहुत जल्दी हांप जाती है मतलब थक जाती है ये गाइस, क्योंकि मैं बीमार हो गया था ना, और ऊपर से गाइस काम का लोड बहुत था मेरे ऊपर, इधर इधर जाना उधर जाना सामान लाना गाइस, ये मेरे और मेरा एक भाई है उसके ऊपर थी सारी जिम्मेदारी, तो इसलिए मैं बहुत बिजी था, मैंने रोक्सी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मेरी मौसी के लड़के थे गाइस, वो इसको डाइट वाइट देते थे, वही इसको इधर उधर शिफ्ट किया करते थे। और गाइस इतनी बुरी गर्मी हो गई थी ना इसके शरीर में उस टाइम पे कि इसका मतलब टॉयलेट येलो हो गया था बिल्कुल, और इतना बुरी हालत हो गई थी ना बिल्कुल पतली सी। लेकिन गाइस मैंने प्रॉपरली फिर इसकी डाइट अच्छे से बनाई, इसको 3 टाइम खाना दिया गाइस, अभी इसको 3 टाइम खाना देता हूँ मैं, और देखिए गाइस अच्छी खासी हालत है अभी इसकी, मतलब हेल्थ अच्छी है गाइस, बहुत बहुत अच्छा रिकवरी की है इसने, बहुत कम समय में रिकवरी की है गाइस, और अच्छी खासी हो रही है। और देखिए फाइनली गाइस ये हीट पर भी आ चुकी है अब, और कोई दिक्कत नहीं है गाइस, थोड़े टाइम के बाद में रोक्सी की मैटिंग भी हो जाएगी, कल या परसों के दिन मैं इसको लेके जाऊंगा और फाइनली गाइस इसकी मैटिंग करवाऊंगा, और बहुत जल्द गाइस छोटे छोटे पप्पीज आने वाले, बहुत क्यूट क्यूट से पप्पीज आएंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार कि रोक्सी है ना अच्छे से बस सेफ तरीके से गाइस पप्पीज दे दे और वो अच्छे से पल जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। मुझे है ना बहुत 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 ज्यादा प्यारे लगते हैं यार छोटे छोटे पप्पीज, बहुत पसंद आते हैं यार, कसम से बहुत मजा आता है मुझे उसके उनके साथ खेलने में। तो गाइस मैंने फाइनल डिसीजन किया है कि मैं रोक्सी को लेकर घर पे जाता हूँ, क्योंकि यार बिल्कुल थक चुके हैं, हाँ प्रिय बिना मतलब में, और मैं सोच रहा हूँ कि ये फ्रेश नहीं हुए ना, तो इसको जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना गाइस, तो थोड़ी सी डाइट देके इसको उधर खेत में पीछे छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं घर पे यार, वरना ऐसे परेशान होती रहेगी, ऊपर से गाइस थोड़ी सी दिक्कत भी है इसको, तो निकलते हैं यार घर की तरफ। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, मैंने रोक्सी को यहाँ पे आराम से बांध दिया है, अब ये रिलैक्स हो जाएगी गाइस, यहाँ पे है ना थोड़ा ठंडा सा माहौल है, मतलब मैं घास सा हुआ पड़ा है गाइस, तो रिलैक्स हो ले, उसके बाद में गाइस इसको डाइट दूंगा। तो गाइस अभी मैंने है ना खुद ने खाना खा लिया, रोक्सी को खाना खिला दिया, और अब टाइम होता है गाइस स्टडी करने का, क्योंकि आज सारा दिन हो गया यार ताने सुनते हुए, तो फाइनली मैं थोड़ी देर कर लेता हूँ यार, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सकेगा उतना कर लूंगा गाइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।